गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में शनिवार को पूर्व मेयर सत्या पांडे ने एक सम्मान समारोह में विश्व पटल पर शहर का नाम रोशन करने वाली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के शोधार्थी छात्र इफत अमीन को उनके खोज के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने किया। सम्मान समारोह में शोधार्थी छात्र इफत अमीन ने दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ की खोज की है, जिसके लिए पूर्व मेयर सत्या पांडे ने अंग वस्त्र व शाल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व मेयर सत्या पांडे ने कहा कि इफत अमीन ने उनके इस शोध कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि उन्हें विश्व पटल पर अपने देश का नाम रोशन करने तथा उचित अवसर मिले। साथ ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया। इस अवसर पर साहिल शेख, मिनतुल्ला, अमित गुप्ता, रंजना सिंह, बिना उपाध्याय, चंचल शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए पूर्व मेयर सत्या पांडे ने कहा, इफत अमीन जिस जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा है, गोरखपुर की बेटी है, इसने एक ऐसा चमकीला पदार्थ ढूंढा और कम संसाधनों से जो गोरखपुर में और में मिलता है, जिसके लिए दुनिया के भी बच्चे चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, इस बच्ची ने यहाँ गोरखपुर की धरती पर किया और इसलिए मैंने इनको सम्मानित किया है। क्योंकि मैं पहले से भी अगर कोई सम्मान योग्य कार्य करता है तो उनको हौसला अफजाई के लिए सम्मानित करते और आज इनको किया गया है। और वास्तव में ये ऊर्जा की स्रोत के बहुत बड़ा माध्यम इन्होंने ढूंढा है। कम खपत में बिजली की जो खपत है, उस कम ऊर्जा में ज़्यादा ताकत, ये चमकीला पदार्थ की तरह है को इन्होंने ढूंढा है। और ये मेरी हार्दिक शुभकामना है और बधाई के साथ साथ कि ये और आगे बढ़े, ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर मुकाम हासिल करना चाहें, ये सब इन्हें अर्जित हो। क्योंकि और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वैसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए और महिलाओं के लिए विशेष तौर से बहुत कार्य किया है। उस कार्य में ये कार्य भी इनका है, इन्होंने खुद बेटी होके आगे बढ़ के ऐसा कार्य किया जिससे हमारे देश का भी नाम रोशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद।